बदलते मौसम में बच्चों की कैसे देखभाल की जा सकती है, इसकी टिप्स देते हुए बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजवानी ने कहा कि मौसम बदल रहा है, दिन में तापमान गर्म रहता है तो रात में तापमान में सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसे में रात में एसी और कूलर बिल्कुल ना चलाया जाए। इसके अलावा सुबह भी बच्चों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने बताया कि दूध पिलाने के समय बच्चे का सर ऊँचा रखा जाए और तुरंत ही उसे लिटाया ना जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी चीज़ें ना खाई जाए, खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। डेंगू के में जानकारी देते हुए डॉक्टर अजवानी ने बताया कि आसपास पानी रुका नहीं होना चाहिए, एसी कूलर में पानी रुकना नहीं चाहिए, उसकी सफाई आवश्यक है। ऐसा बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखा जाए? जिस तरह से मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है, दिन के समय गर्मी होती है, रात के समय थोड़ा सा ठंड का मौसम होता है। पहली बात यह है कि रात में बच्चे को बहुत ज्यादा तेज पंखे में ना रखें, एसी कूलर को बिल्कुल बंद रखें, और जो सुबह का टाइम होता है 4 से 5 बजे का, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। बच्चा पूरी तरह से कवर्ड रहना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो उसमें। अब अगर बच्चे को दूध पिलाने की जहाँ तक बात है, तो बच्चे को हमेशा गोद में लेके सब ऊँचा करके दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद कंधा जरूर लगाएं। दूध पिलाने के बाद तुरंत उसको ना लिखाएं, 2-4 मिनट के लिए कंधा लगा के खा लिखाएं। खान पान की बात जहाँ तक है, तो इस समय बाहरी चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। खाने पीने से इस समय वायरल डायरिया कभी किससे जा रहे हैं, वायरल डायरिया में बिल्कुल लूज मोशन एक तरह से स्टार्ट हो जाता है, नोजिया वोमिटिंग के भी केसेस होते हैं उसमें। तो खान पान का बिल्कुल ख्याल रखें, पानी फिल्टर का पिए या पानी बॉयल करके पिए, अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें। सर, इस समय डेंगू भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं आप? डेंगू के लिए जैसे कि हर जगह ये कहा गया है, सरकारी तंत्र में भी कहा गया है कि कहीं पर रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, गमले वगैरह में भी पानी नहीं हो, कूलर में पानी अगर है तो उसको से साफ करें। रुके हुए पानी में ही डेंगू का मच्छर पनपता है। अगर ऐसे में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई गंदगी है इस तरह के, तो उसकी पूरी सफाई रखें। अगर इस तरह का फीवर आता है तो अपने खून की जाँच कराएँ। प्लेटलेट काउंट उसमें देखे जाते हैं, अगर प्लेटलेट काउंट नीचे जा रहा है तो फिर तुरंत ही डेंगू की जाँच करवा दें और अपने चिकित्सक से सलाह। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।